हेलो गाइस, नेचर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हनी से अपना वज़न किस तरह से बढ़ाना है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा घट चुका है, आप घटते वज़न से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो ये उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि शहद में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। आज हम वीडियो में यही जानेंगे कि आसानी से कुछ ही उपाय करके हम वज़न किस तरह से बढ़ा सकते हैं। गाइस, आजकल जो खान पान आ रहा है बहुत ज़्यादा फैटी होता है। हम कोई भी चीज़ लेते हैं उनमें मैदा मिला होता है, तो हमारा जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों में मैदा मिलाया जाता है। अगर हम गेहूं का आटा भी मार्केट में लेने जाते हैं, उसमें भी मैदा मिलाया जाता है, इसलिए हम में कुछ ज़्यादा ही फैट बढ़ जाता है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि फैट बढ़ जाता है। आजकल के खाने पीने जो है वो इसी प्रकार का आने लगा है। लेकिन हम घर में ही किस तरह से अपने खाने पीने को कंट्रोल और शहद की मदद से, हनी की मदद से अपना वज़न कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मोटे भी हो रहे हो, जब भी आपको बहुत ज़्यादा फैट बढ़ रहा है, तब भी आप हनी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। और अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुबले हैं, अगर आपका वज़न नहीं है, अगर आपकी उम्र के हिसाब से आपका वज़न सही नहीं है, जब भी आप अपने वज़न को बढ़ा सकते हैं बहुत ही कम उपाय करके। आपको सिर्फ घर में एक चम्मच शहद के ज़रिए आपको अपना वज़न बढ़ाना है। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए अब हम हनी के बारे में जान लेते हैं। सो गाइस, शहद के बारे में आपको मैं पिछली वीडियो में पूरी जानकारी दे चुकी हूँ कि उसके कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और शहद क्या होता है, किस प्रकार का होता है, ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी बॉडी के लिए, स्वास्थ्य शरीर के लिए वज़न का संतुलित होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको बहुत यंग दिखना है, तो आपको अपना वज़न कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा दुबले हैं, तब भी नहीं होगा, और अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, जब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप अपनी उम्र के हिसाब से अपना वज़न जो है वो कंट्रोल करिए, सिर्फ एक शहद के मदद से। तो गाइस, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए वज़न का संतुलित होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि आप दिन रात वज़न कम करने के प्रयास में जुटे रहते हैं, या फिर बढ़ाने के प्रयास में जुटे रहते हैं। आवश्यकता से कम वज़न होना भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ये मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। अगर आप बहुत मोटे हैं, बहुत ज़्यादा आपके में फैट है, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर अपना वज़न घटाएंगे, तो आप में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, जिसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, आपसे कोई भी काम करते नहीं बनेगा। इसलिए आपको अपना जो वज़न है वो नियमित रखना है, मतलब कि आपको अपना वज़न जो है वो संतुलित रखना है, कम्फर्ट रखना है। एंड गाइस, अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा कम है, तो प्लीज़ आप लोग अपना वज़न बढ़ाएं, उसे ज़्यादा घटने ना दें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी अगर आपका वज़न कम होगा। तो सिर्फ एक चम्मच हनी की मदद से आप अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। आइए कैसे। गाइस, वज़न बढ़ाने के लिए वर्कआउट और अच्छी डाइट ज़रूरी है, लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं, तो इन आसान घरेलू उपाय को आपसे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मतलब कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो भी आपको घरेलू उपाय से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सो गाइस, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप अपनी डाइट में बनाना यूज़ कर सकते हैं। बनाना खाने के लिए आपको वज़न बढ़ाने का सबसे प्रभावशाली और आसान तरीका है केले का सेवन। दिन में कम से कम 3 बार केला खाएं, सुबह, शाम एंड रात में आप केले का सेवन ज़रूर करें। दूध या दही के साथ केला और भी फ़ायदेमंद होता है। रोज़ सुबह नाश्ते के साथ बनाकर मिल्क शेक आप ज़रूर लें।
आप मिल्क शेक को आप अपने घर में ही बना सकते हैं महीने भर में। परिणाम मतलब कि एक्सरसाइज आपके सामने होंगे, परिणाम जो है इसके मतलब जो रिजल्ट जो है वो आपके सामने एक महीने में ही निकल कर आएगा, अगर आपने एक दिन में केला 3 times खाया तो। सुबह खा लीजिए जब आप नाश्ता कर रहे हों, फिर आप दोपहर में जब खाना खा रहे हों उसके बाद आप ये सेवन कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ पे शाम को ले लीजिए या फिर रात में, आपकी मर्जी है, आप जब खाना चाहें जब खा सकते हैं, लेकिन आपको एक दिन में 3 केला खाने हैं, 3 केले का सेवन आपको रोज़ करना है। साथ ही आपको दूध भी पीना है, उसका आप मिल्कशेक बना करके पी सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही आप दूध का सेवन कर सकते हैं। अब अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो आपको दूध में शहद मिला करके रोज़ सेवन करना चाहिए। रोज़ सोने से पहले या फिर नाश्ते में गर्म दूध के साथ 1 चम्मच शहद का सेवन अवश्य करें। इससे वजन में तेज़ी होती है और पाचन भी अच्छी तरह से होता है। सो गाइस, अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप दूध का भी सेवन कर रहे हैं वज़न बढ़ाने के लिए तो आप उसमें 1 चम्मच शहद का अवश्य मिलाएं। अब हम आगे बात करते हैं खरबूजा के फ़ायदे। अगर आप खाना खाने के बाद कोई भी फल खाना पसंद करते हैं तो आप खरबूज खा सकते हैं। बहुत कम वज़न वाले लोग को अक्सर डॉक्टर खरबूजा खाने की सलाह देते हैं। हालांकि ये मौसमी फल है लेकिन खाने से भी वज़न तेज़ी से बढ़ता है। साथ ही गाइस, खरबूज आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा, इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिलाए जाते हैं। अब गाइस, आपको मेवे के साथ दूध, आप अगर आपके घर में मेवा हो तो आप उसे दूध के साथ सेवन करने से भी आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अक्सर देखा गया है वज़न बढ़ाने के लिए बॉडी बिल्डर्स और पहलवान मेवे वाले दूध का सेवन करते हैं जिससे वो ताकतवर बन सके, मतलब उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सके। खासतौर पर बादा खजूर और अंजीर के साथ गर्म दूध पीने से भी वज़न तेज़ी से बढ़ जाता है। अगर आपको कमज़ोरी वज़न बढ़ाने के साथ साथ इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ाना है, आपको अपने बॉडी में बहुत क्षमता भी लेकर आनी है, ताकत भी लेकर आनी है, तब आप इस मेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेवा का सेवन कर रहे हैं तो आपका जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपका फैट बहुत है और आप कि बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, आपसे कोई भी काम अच्छे से नहीं बनता है, अगर आप बेवजह इसी तरह से फूल रहे तो आप मेवे का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इससे वज़न बढ़ता है और आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी हाई हो जाता है, इसलिए आप मत कीजिए। गाइज, मैं आपको एक सलाह और दूंगी, आप अपने डाइट में किशमिश का उपयोग ज़रूर करें। प्रतिदिन डाइट में 30 ग्राम किशमिश खाने से भी वज़न तेज़ी से बढ़ जाता है। इसके नियमित सेवन से महीने भर में आप अपने वज़न में फ़र्क देखेंगे। आप एक महीना पहले जब आप इसका सेवन नहीं कर रहे हैं आप अपना वज़न नाप लीजिए, फिर आपको बीच में वज़न नहीं नापना है, फिर आप एक महीना जब पूरा कंप्लीट हो जाए फिर आप अपना वज़न नापिए, आपको अपने वज़न में बहुत फ़र्क दिखेगा और आपका जो इम्यूनिटी लेवल है, आपकी जो ताकत है वो भी ग्रो होगी। अगर गाइस आपको अपना वज़न बढ़ाना है, आप बहुत सारी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो अपनी डाइट में आप बहुत सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। जैसे भोजन में अधिक आपको कार्बोहाइड्रेट व कैलोरी वाली चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे आटा हुआ, चावल हुआ, शहद, मेवा, मक्खन आदि। इससे आपका वज़न बढ़ेगा और आपको सेहतमंद तरीके से भी आपकी जो सेहत है वो बहुत अच्छे से बढ़ पाएगी, इसलिए आपको अपनी डाइट में सुधार लाना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले हैं, अगर आप दुबले हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको अपनी डाइट को चेंज करना होगा। आप सुबह नाश्ते में दूध पीजिए, फिर आप खाना खाने के बाद कोई ना कोई फल लीजिए, फिर आप
आगे जिस तरह से हमने आपको बताया है, आप अगर उसी तरह से अपनी डाइट को फॉलो करेंगे तो देखिएगा, एक महीने में आपके वजन में और आपके बॉडी में बहुत अंतर महसूस होगा। और आपका शहद का सेवन तो आप रोज़ कीजिए, दूध के साथ कीजिए, या फिर आप खाना खाने के टाइम कीजिए। किसी भी तरीके से आपको विंटर सीजन में सबसे अधिक शहद का सेवन करना चाहिए। गाइस, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिए, अगर आपको मेरे टिप्स और मेरे नुस्खे काम आ रहे हों तो। एंड गाइस, ये थी जो वीडियो आज के वज़न बढ़ाने की थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ कि आप अपना वज़न किस तरह से घटा सकते हैं। अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ कि आप शहद की मदद से और अपनी डाइट को चेंज करने के करिए उसके आप अपना वज़न किस तरह से घटा सकते हैं। ये वीडियो मैं नेक्स्ट वाली बनाने वाली हूँ। सो गाइस, अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। एंड गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़, और अगर आपके कॉन्टैक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कि दुबले होने से परेशान हैं, अपने वज़न को बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। आप हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।